हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानपुर किचन। आज मैं आप लोगों के साथ वेज मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई सी भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। वेज मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मैक्रोनी ली हुई है, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटी हुई प्याज, 2 चम्मच तेल, कुछ मटर के दाने, कुछ बारीक चॉप्ड गाजर और एक लाल मिर्च को मैंने बारीक काट लिया हुआ है, 1 इंच घिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने मैगी एंड पास्ता मसाला लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक भगोना लेंगे, उसमें कुछ पानी डाल देंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है जिससे कि मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो सके। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे प्लेट से ढक दिया है। चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गया है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम इसमें 1 चम्मच तेल ऐड कर देंगे, साथ ही साथ हम इसमें मैक्रोनी भी ऐड कर देंगे। चम्मच की हेल्प से हम इसे हिला देंगे जिससे कि मैक्रोनी नीचे तले में चिपके नहीं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक प्लेट से इसको ढक देंगे। मैक्रोनी हमारी 10 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बीच में हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे चिपक तो नहीं रही है, फिर से ढक देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। जैसे ही हम इसको छानेंगे इसके बाद तुरंत ही हम इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डाल देंगे जिससे कि मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया है और इस पर ठंडा पानी भी डाल दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। यहाँ पर मैंने एक दूसरे पैन में थोड़े से तेल में प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज को हमें हल्का सा ही सॉटे करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। साथ ही साथ हम इसमें अदरक भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। लाल मिर्च, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसमें हम गाजर भी ऐड कर देंगे। मटर को भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे साथ ही साथ। मिक्स कर देंगे सब कुछ अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 गैस का फ्लेम लो कर देंगे जिससे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे,
आप इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसमें हम 1 चम्मच मैगी एंड पास्ता मसाला ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे, लास्ट में इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, मिला देंगे अच्छे से। वेज मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, फ्रेंड्स आप इस वेज मैक्रोनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।